हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ, स्वागत करता हूं अपने न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि ओला, ऊबर या रैपिडो, ये तीनों ही अगर ऐप आप यूज़ कर रहे हैं तो तीनों में एक संग कैसे काम करें। हाल फिलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो रैपिडो एंड ओला यूज़ कर रहा हूँ, तो वही मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग दोनों ऐप कैसे एक साथ काम कर सकते हैं दोनों में। तो हाल फिलहाल जो मेरे पास है वो सिर्फ रैपिडो एंड ओला है। तो सबको बता दूं यार कि देखो, दोनों ही अपनी जगह पे ठीक ठाक हैं और दोनों में ही ठीक ठाक राइड आती है। उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, मैं बता दूंगा वो भी। सो मैं हाल फिलहाल ओला यू ऑन कर लिया है और रैपिडो भी ऑन कर लेता हूँ। तो उस मैं बता रहा था कि दोनों में ही अगर आपका स्कोर अच्छा है, यानी कस्टमर रेटिंग बहुत अच्छी है, तो दोनों में ही राइड आती है। अदरवाइज़ दोनों में कभी कभी बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। सो अब मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए, दोनों में मैं ऑन ड्यूटी हो चुका हूँ। मेरे राइट साइड में स्क्रीन पे आप देखते रहो सारी चीज़ें। तो अब मैं दोनों में ही ऑन ड्यूटी हूँ। जिसमें भी पहला राइड आता है मैं उसे पिक करूँगा और दूसरे को ऑफ ड्यूटी होके बंद कर दूंगा। ठीक है, तो मैं रैपिडो में हमेशा ही जब भी कभी दूर पहुंच जाता हूं, तो ओला में तो नहीं लेकिन रैपिडो में कोशिश करता हूं कि माई रूट वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ कर लूं, क्योंकि ओला में अगर हम माई रूट लगाते हैं तो यूज़ नहीं होता है कभी कभी। तो देखो, मेरे पर राइड आ गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ओला में आया। ठीक है, तो ओला में राइड आ गई है। डिस्टेंस देख लेता हूँ कितना है। तो ये लगभग पिकअप के लिए मुझे 2.25 किलोमीटर जाना है। तो हाँ, मैं बता रहा था आप लोगों को कि जब भी कभी लॉन्ग के लिए, और ओला में भी ये किया करो कभी कि हम होम रूट लगा लें, तो होम रूट लगाने के बाद क्या होता है कि उसी रूट में आपके पास राइड आएगा ओला में भी। लेकिन अगर ओला में उस रूट में नहीं होता है तो आपके पास राइड नहीं आती है। तो देखो, मैंने इस टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया है ओला का और कस्टमर के अराइव भी हो गया, राइड भी स्टार्ट कर दी। और ओला में क्या है कि यार, वो कार में था पहले, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें अभी तक उसी के जैसे हैं, तो उसमें थोड़ा अपडेट करना होगा उनको बाइक में। तो मैंने ये राइड ओला का स्टार्ट किया है और जो अपना रैपिडो था उसको बंद कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिली होगी। तो जितने भी राइडर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, और अपने अपने एक्सपीरियंस कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना यार, कि आप लोग कैसे मैनेज करते हो तीनों ऐप को। सो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो पे। एज ऑलवेज, गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।